दुष्ट दमन महाकाल कलगीधर सिंह साहब आदि शक्ति माता साहब देवा 96 करोड़ शहीद सिंघां नूं भावे गुरबर अकाल देख देख फतेह आदि गुर ए नम है जुगाद गुर ए नम है सतगुर ए नम है श्री गुरदेव ए नम है अकाल पुरख की रक्षा हमने सर्वलोह दी रक्षा हमने सर्वकाल जी दी रक्षा हमने सर्वलोह जी दी सदा रक्षा हमने सर्वलोह की जे सरन परे ताका होत उधार जजै भजै सर्वलोह जू सुगम तरह संसार गुरु प्यारे खालसा जियो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सारे विश्व दियां फौजां नू सूचित किया जाता है कि चलदा वहीर चक्रवर्ती 96 करोड़ी श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल पंजवा तख्त पंजाब भारत विश्व दे महाबली गुरदेव सिंह साहब जथेदार बाबा जोगिंदर सिंह जी अकाली 96 करोड़ी बुढ़ा दल दे ये पावन अस्थान आदि शक्ति माता साहब देवा जी दे यादगार अस्थान की सेवा जिहड़ी साध संगत संपूर्ण होने जा रही है दरबार साहब दे लेंटर जो तैयारी कर रहे ने जवान साध संगत जी आदि गुरु ग्रंथ साहब दसम गुरु ग्रंथ साहब सर्वलो गुरु ग्रंथ साहब कथा कीर्तन शस्त्र विद्या घोड़सवारी ते बिरध आश्रम निहंग सिंघां दा तमाम ये सारे कार्य सिंह साहब महापुरखां ने अपने मद्देनज़र जिहड़े रखे हुए है ते जिन्हां दी संपूर्णता होण जा रही है इस संदर्भ दे विच ही फौजां दा जिहड़ा पहरा इस अस्थान ते गुरु पंथ वल्लों लाया गया। पिछले कई दिनां तों ही फौज दा उतारा हो चुका है बाबा गुरमुख सिंह जी संथ्या करा रहे ने ऑनलाइन भी जिहड़ा प्रबंध किया जा रहा है तो भाई सारे विश्व दियां फौजां नूं सूचित किया जाता है कि होले महल्ले तो पहला सरबलो महाराज के पाठ बोध समागम की तैयारी हो रही है फौजां नूं सूचित करन दे लई यह बेनता किया जाता है कि तिन्ने दरबारां चों कोई भी संथ्या कोई फौज करनी चाहती होवे इस अस्थान ते हाजिर हो सकता है ते ऑनलाइन भी जिहड़ा प्रबंध किया वड्डी स्क्रीन ला के जिमें पहलां तो ही बाबा जी ऑनलाइन संथ्या करा ही रहे ने तकरीबन 8-10 मुल्कां च चल रही है ते उहनूं हुण आपां होर जंगी पद्धर ते करन दा जिहड़ा सिंघ साहिब जी वल्लों आशीर्वाद मिलिया ते कुझ ही दिनां च इह प्रोग्राम उलीकिया जाएगा इंटरनैट ते इहदा पोस्टर भी पाया जाएगा ते नाल नाल वर्ल्ड वाइड प्रचार प्रसार करन दे लई अकाल रेजीमेंट एक पेज तैयार किया जाएगा जिदे ते 12 सगरांदा तकरीबन सारे जोड़ मेले ते गुरु पंथ की हर मूवमेंट हर वहत मर्यादा ते चानन पाया जाएगा तो खालसा जी उहदे नाल तुसी राबता कर सकते हो इस अस्थान ते भी फौज उतर सकती है ते उन्हां दी समुची रहायश का प्रबंध किया जाएगा तो कुछ ही दिनों च ये पोस्टर आपां इंटरनेट ते जारी कर देवांगे सरबलो महाराज का पाठ बोध समागम होले महल्ले तो पहला किया जा रहा है ये उपराला आपां तां कीता बई इहदे नाल फौज का आपां नूं पता लग जाएगा भी किन्ने क विलाखी ने फिर उहो जे हिसाब नाल पोथियां का ते अगला जिहड़ा सारा समागम का प्रबंध किया जाएगा ते एक गल होर याद रहे श्री दरबार दमदमा साहब रकवे तो चल के बाबा मित सिंह साहब अकाली जी ने हजूर साहब की धरती से खालसे दे आदि शक्ति माता साहब देवां जी का पुरातन सतजुगी तप स्थान वह रकवे की धरती तो ही चल के महाराष्ट्र हजूर साहब विखे उहदी कार सेवा सिंह साहब जी ने आप कराई है ते इहो ही सुभाग हुण आपां पंजाब वासियां नूं भी मिल रहा भी सिंह साहब जी ने आदि शक्ति माता का यह महान दरबार तकरीबन हुण लेंटर ते कार सेवा पहुँच चुकी है ते फिलहाल जिहड़ा दरबार अपना रोजमर्रा वो सजा ही होगा तो कार सेवा वड्डे दरबारों की चल रही है थोड़े दिनों च भाई सरबलो जी का पाठ बोध तो तिने दरबारों की संथ्या पंथ्या आरंभ की जाएगी तो सारिया फौजा जिदी भी कोई भावना वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन भी संथ्या कराई जाएगी तो वह भाई स
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੇਵਾ ਯਾਤਰਾ ਸਫਲ ਕਰਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਂਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ 13ਵੇਂ ਮਹਾਂਬਲੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਕਾਲੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਪੰਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਊ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਇਆ ਨਿਧਾਨਾ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾ ਕੇ ਸਰਬਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਟੀਕਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਥਾ ਪਹਿਲੇ 18 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪ ਸੰਥਿਆ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹੀ ਸੁਭਾਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਦਾ ਹੂਬ ਹੋ ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਉਹ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਬਲੋ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੈ ਤਿੰਨੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਾਗਮਾਲਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਰਾਗਮਾਲਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 300 ਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਲੰਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਭਾਈ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।